दिनांक 19 फरवरी 2018 से संविदा स्वास्थ्य संघ बैठा है और 15 मार्च से सभी विभागों के संविदा कर्मचारी जो प्रताड़ित और शोषित है सभी लोग एक मंच पर आ गए, क्योंकि सभी विभागों में एक ही समस्या है और वो समस्या है कि हमारे संविदा साथियों को किसी भी टाइम पर उच्चाधिकारियों के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये पहली मांग है कि निष्कासित जितने साथी हुए हैं, चाहे वो किसी भी विभाग में संविदा पर रहे हो, उनकी बहाली की जाए। और दूसरी मांग है कि ये संविदा रूपी कलंक को हमको मिटाना पड़ेगा। तो एकजुट हो गए हैं कि सभी लोगों को एक साथ नियमितीकरण का सरकार आदेश करे। यदि सरकार इसका आदेश नहीं करती है तो हम ज्वाइन नहीं करेंगे, आंदोलन हमारे उग्र होते जाएंगे। आज हमने उसी तारतम्य में विभिन्न समाजों के, क्योंकि समाजों के जो प्रतिनिधि लोग हैं वो हमारी समाज से बिलोंग करते हैं, तो उनका मार्गदर्शन लेंगे कि आंदोलन हम किस रूप में करें ताकि इस देश और प्रदेश की सरकार हमारी बातें को माने और हमारी मुख्य दो मांग है इसको लागू कर दे और हम लोग अपने काम पर वापस चले जाएं। जिले भर में लगभग 2500 कर्मचारी है जो संविदा में है, विभिन्न विभागों में परियोजनाओं में काम कर रहे हैं। तो सभी लोग एक मंच पर आ चुके हैं, कुछ साथी जो है वो नहीं आ रहे, उनके प्रदेश से अभी अलग चर्चा होने को है। वो लोग भी जब आ जाएंगे तो पूरे 2500 हो जाएंगे।